आज हम अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं खेसारी लाल यादव के लाइफस्टाइल और उनके धन दौलत और उनके स्टारडम के बारे में। जी हाँ, आज हम आपको बताएंगे किस तरह से बिहार का एक मामूली इंसान आज भोजपुरी इंडस्ट्री का बेताज बादशाह बनकर बैठा है। खेसारी लाल यादव के पास आज रुपए, दौलत, पैसे किसी की भी कमी नहीं है। हर एक चीज़ से उनका जीवन भरा हुआ है, लेकिन इस जगह तक पहुंचने के लिए खेसारी ने संघर्ष भी बहुत किए हैं और न जाने कितने क्रिटिसिज्म का भी सामना किया है। खेसारी भोजपुरी के वो पहले एक्टर हैं जिन्हें भोजपुरी इंडस्ट्री ने स्वीकारने से ही मना कर दिया। जी हाँ, काफ़ी लोगों ने खेसारी को तो एक्टर मानने से इनकार कर दिया, लेकिन वो जनता का प्यार है जिसने खेसारी को भाई बहुत ही बड़ा सुपरस्टार बना दिया। खेसारी भले ही भोजपुरी इंडस्ट्री में अपने रियल नाम यानी कि शत्रुघ्न से नहीं जाने जाते हों, खेसारी से जाने जाते हों, जिसे उन्होंने फ्लॉन्ट किया, जिस तरह से दिनेश लाल यादव निरहुआ ने निरहुआ को अपने सरनेम के आगे, अपने नाम के आगे लगाया, ठीक खेसारी को अपना नाम ही बना लिया खेसारी लाल यादव ने। छपरा से दिल्ली और दिल्ली से मुंबई तक के सफ़र में खेसारी ने न जाने कितने दर्द सहे, खेसारी ने न जाने कितनी नाकामयाबी सही, खेसारी ने इतनी मेहनत की कि अपने आप को उन्होंने भोजपुरी के उस मुकाम पर पहुंचाया जहां पर पहुंचने के लिए लोग बरसों तक मेहनत और तपस्या करते हैं और फिर भी उन्हें वो मुकाम नहीं मिलता। लेकिन हम आज आपको खेसारी की उन संघर्षों की कहानी नहीं बताएंगे, हम आपको ये बताएंगे कि खेसारी ने किस तरह से अपने आप को मेहनत करके इस काबिल बनाया कि उनके पास आज 3 से 4 लग्जरी कारें हैं, मुंबई में एक बंगला है और कई सारे फ्लैट्स हैं। साथ ही उन्होंने गांव में भी यानी अपने गांव में भी कई प्रॉपर्टीज़ खरीदी हैं, अपना नया घर बनवा रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं खेसारी लाल यादव के लाइफस्टाइल के बारे में। खेसारी लाल यादव का लाइफस्टाइल दिन पर दिन चेंज होता गया, साथ ही साथ जैसे खेसारी चेंज हुए वैसे उनकी लाइफस्टाइल भी चेंज होती गई। खेसारी जो पहले सस्ते कपड़ों में दिखा करते थे आज वो ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं। खेसारी आज अपने गले में 10 तोले की चैन अकेले पहनते हैं। पहले खेसारी 15 से 16 चैन एक साथ पहनते थे, आज वो 10 तोले की चैन पहनते हैं और अपने हाथ में तकरीबन 4 से 5 10 तोले का ब्रेसलेट भी पहनते हैं। खेसारी लग्जरी कारें तो चलाते हैं, साथ ही साथ उन्हें बुलेट का भी बहुत शौक है। खेसारी के पास उनके छपरा वाले घर पे और मुंबई वाले घर पे, दोनों घर पर बुलेट की कमी नहीं है। खेसारी अपनी पर फिल्म का 50 लाख लेते हैं और हर एक स्टेज शो का 8 से 10 लाख रुपया लेते हैं और उनके एल्बम और गाने जो कमाते हैं उनकी बात छोड़ दीजिए, खेसारी साल में कम से कम 4 से 5 या 6 फिल्में भी दे देते हैं और अमूमन सारी फिल्में हिट ही होती हैं। खेसारी के गानों की भी अब डिमांड बढ़ती जा रही है। खेसारी का कोई भी गाना आता है उसे महीने भर में 100 मिलियन पहुंचने में देर नहीं लगती। खेसारी के सनग्लासेस हों या खेसारी की घड़ियां, सारी कीमती हैं, महंगी हैं और लाखों की हैं। खेसारी भले ही कम पढ़े लिखे हैं लेकिन उन्हें पैसे का यूज़ बखूबी आता है, इसलिए वो जानते हैं कि आने वाले भविष्य में किस तरह से वो अपने इन पैसों का यूज़ अपने फ्यूचर के लिए और अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए कर सकते हैं। इसलिए ज़्यादातर पैसे उन्होंने प्रॉपर्टी और गोल्ड में ही इन्वेस्ट किए हैं। आपको ये भी बता दें कि खेसारी को महंगे जूतों का बहुत शौक है। जी हाँ, उनके पास जूतों का अच्छा खासा कलेक्शन है और बताया जाता है तकरीबन 100 जूते उनके ब्रांडेड हैं जिसे वो फिल्मों में भी यूज़ कर चुके हैं। खेसारी महंगी घड़ियां पहनते हैं लेकिन घड़ी का शौक कम है, उन्हें सोने की ब्रेसलेट का शौक ज़्यादा है। इसलिए आप खेसारी के हाथ में तकरीबन 3 से 4 प्रकार के आप ब्रेसलेट देख सकते हैं जो कि तकरीबन 10 तोले के बताए जाते हैं। वैसे भोजपुरी इंडस्ट्री में खेसारी को चलती फिरती सोने की दुकान भी कहा जाता है क्योंकि उन्हें सोने का बहुत शौक है। गोल्ड वो पहनना बहुत पसंद करते हैं, इसलिए वो गोल्ड में बहुत इन्वेस्ट करते हैं। अपने लिए वो गोल्ड खरीदते तो खरीदते ही हैं, साथ अपनी पत्नी के लिए भी वो गोल्ड बहुत ही खरीदते हैं। यकीन है आपको हमारी ये रिपोर्ट ज़रूर पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। Oh, oh, oh.